दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें पूरी दुनिया की आबादी बसती है। यहाँ हर समाज, हर वर्ग के लोग मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। इस देश का इतिहास काफी पुराना है और बहुत सारी जानकारियाँ हैं जो हर किसी को नहीं पता। तो आज हम आपको बताएंगे इसी भारत के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। भारत में है दुनिया का सबसे बड़ा परिवार। दुनिया के सबसे बड़े परिवार का निवास भारत में है। यह व्यक्ति की 39 पत्नियां हैं, 94 बच्चे हैं और 33 पोते और पोतियां हैं। भारतीय महिलाओं के पास है सबसे ज्यादा सोना। भारतीय गृहिणियों यानी कि हाउसवाइफ्स के पास दुनिया का 11% सोना है। इंडिया में है तैरता हुआ डाकघर। डाक व्यवस्था सिस्टम में भारत है नंबर 1 पे कुल 1,55,015 डाकघर के साथ। श्रीनगर के डाल लेक पे है तैरता हुआ डाकघर और इसकी शुरुआत साल 2011 में हुई थी। भारत के पास है सबसे बड़ी एक्टिव मिलिट्री। चाइना और यूएस के बाद भारत के पास विश्व की सबसे बड़ी एक्टिव मिलिट्री है जिसकी जवानों की संख्या 13,25,000 जितनी है। भारत है सबसे शांत देश। भारत ने पिछले 1,00,000 वर्षों में किसी पर भी आक्रमण नहीं किया है। भारत का पहला रॉकेट आया था साइकिल पे। भारत का पहला रॉकेट साइकिल पर रखकर लाया गया था। इसरो ने अन्य शोध संस्थाओं के साथ मिलकर पहले रॉकेट को तैयार किया था। भारत के रेलवे के कर्मचारियों की गिनती। भारतीय रेलवे में कुल 1.4 मिलियन कर्मचारी है जो कि आइसलैंड, मोनाको, वेटिकन सिटी और अन्य कुछ देशों की जनसंख्या के बराबर है। भारत में है सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम भारत के हिमाचल प्रदेश में चायल नामक स्थान पर समुद्र तल 2,444 मीटर ऊपर बना हुआ है। भारत में है सबसे ज्यादा मस्जिद। भारत में 3,00,000 से ज्यादा मस्जिद है जो कि दुनिया के किसी भी अन्य देशों की तुलना में अधिक है। भारत में है सबसे ज्यादा क्रिकेट स्टेडियम। भारत विश्व में सबसे ज्यादा क्रिकेट स्टेडियम वाला देश है। यहाँ हर राज्य में कम से कम एक स्टेडियम तो जरूर है। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा चीनी खाता है। देश में मिठाइयों के प्रति लोगों की दीवानगी के कारण हम दुनिया में सबसे ज्यादा चीनी की खपत करने वाले लोगों में प्रथम है। भारत में सबसे ज्यादा इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं। पूरे विश्व में अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा अंग्रेजी बोलने वाले लोग भारत में ही हैं। देश में लगभग 125 मिलियन की आबादी अंग्रेजी बोलती है। यह संख्या तेजी से बढ़ रही है। भारत में हुआ था शैम्पू का आविष्कार। शैम्पू का आविष्कार हमारे देश में सदियों पहले हुआ था। प्राचीन काल में भारत ही वो देश है जिसने इस शैम्पू को बनाने के फॉर्मूले का आविष्कार किया था। ये शैम्पू केमिकल से नहीं बल्कि जड़ी बूटियों से बनाए जाते थे। अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है कुंभ का मेला। भारत में हर 12 साल में एक बार आयोजित होने वाले कुंभ के मेले में सभी धर्मों के कुल इतने लोग शामिल होते हैं कि ऊपर अंतरिक्ष से भी इन्हें देखा जा सकता है। भारत में बोली जाती है 1,000 से भी ज्यादा बोलियां। यदि भारत में बोली जाने वाली भाषाओं की बात की जाए तो भारत में कोई 100 या 200 नहीं बल्कि पूरी 1,652 बोलियां और भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। मर्डर के मामले में भारत है सबसे ऊपर। भारत का नाम मर्डर के मामले में सबसे ऊपर आता है। दुनिया में सबसे ज्यादा मर्डर भारत में ही किए जाते हैं। भारत ने चेस का आविष्कार किया था। दुनिया भर में लोकप्रिय दिमाग खेल शतरंज यानी कि चेस का आविष्कार भी इंडिया में ही हुआ था। इंडिया में हर साल अमेरिका से दुगने इंजीनियर्स बनते हैं। भारतीय इंजीनियर्स की गिनती
अमेरिकन इंजीनियर से है ज्यादा। भारत में है सबसे बड़ा रोड नेटवर्क। 1.9 मिलियन मील के हिस्से को आपस में जोड़ने वाली विश्व की सबसे बड़ी रोड नेटवर्क भारत में स्थित है। सबसे ज्यादा चाय बनती है भारत में। चाय के उत्पादन और उपभोग में भारत प्रथम स्थान पर है। भारत में है सबसे ज्यादा वेजिटेरियंस। दुनिया में सबसे ज्यादा शाकाहारी लोग भी इंडिया में ही पाए जाते हैं। इसी कारण पिज्जा हट को भी भारत में आकर अपना पहला शाकाहारी रेस्टोरेंट खोलना पड़ा था। और तो और, केएफसी को भी भारत के लिए शाकाहारी भोजन को अपने मेन्यू में शामिल करना पड़ा था। प्लास्टिक सर्जरी का आविष्कार भारत में हुआ था। प्लास्टिक सर्जरी की शुरुआत भी सर्वप्रथम भारत में ही हुई थी। इस वीडियो में बताए गए फैक्ट्स के अलावा और भी कई सारे ऐसे फैक्ट्स हैं हमारे भारत के बारे में जो हम में से बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। अगर आप भी ऐसे कुछ फैक्ट्स को जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। ओके गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।